जटिल समस्या है कि आज तक हमारे वार्ड में जलनल जो है टंकी लग गया, टंकी उड़िया गया, उस टोला है जो दलित का बस्ती है और उस टोला में आज तक आज़ादी के बाद से अभी तक रोड नहीं है जाने के लिए। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कि नगर निकाय चुनाव को लेकर जो है सियासत काफ़ी तेज है। आज दो दिन पहले से जो है नगर निकाय चुनाव को लेकर जो है नामांकन हो रहा है। ऐसे में जो है नगर परिषद कांटी के वार्ड संख्या 5 में है और वार्ड के जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आज नामांकन किए हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो हमारे सभी जनता जनार्दन, हमारे अभिभावक जो वार्ड नंबर 5 के हैं, सभी को बहुत प्रणाम, दिल से प्रणाम कर रहे हैं। और हमारे जितने जनता मालिक है उनके द्वारा हमको कहा गया कि नॉमिनेशन कराओ, तुम निश्चित इस बार विजय प्राप्त होगा। लगातार जो है आपके वार्ड में जो है कई समस्या है, उसको समस्या कुछ नहीं है, समस्या बहुत बड़ा है। आज तक जल नल चालू नहीं हुआ, सिर्फ जहां प्रतिनिधि है जिनका घर जहां है उस जगह चालू हो गया अपने पानी पीने के लिए। ये 4 गांव जो देख रहे हैं, टोला जो है, यहां कहीं अभी तक टंकी बना हुआ 5 साल 4 साल हो गया, आज तक चालू नहीं हुआ। तो वो सब आएंगे, हम नॉमिनेशन आज दिए हैं और आएंगे। हमारे जितना अभिभावक मालिक है सब लोग का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, हम इस बार निश्चित जीतेंगे और सब चीज़ जितना है सब दुरुस्त करेंगे। इस बार केवल यही चलेगा, जनता मालिक का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमारे पास बाबूजी का दिया हुआ 2 कट्ठा जमीन है कि हम बेच के इलेक्शन लड़ ले। बस हम सीधे नॉमिनेशन भी कराए हैं तो कोई और लोग हमको करा दिए हैं नॉमिनेशन, जितने हमारे अभिभावक हैं वही कराए हैं, आज हम लड़ रहे हैं। तो इसलिए धन धन बल का कुछ यहाँ चलने वाला है नहीं वार्ड नंबर 5 में। और 2600 वार्ड में सबसे ज़्यादा अगर कहीं कोई किसी को लड़ाई है तो हमारे ही वार्ड में, इसलिए हैं कि जो हमारे सामने वाले हैं वो धन बल का प्रयोग करेंगे, हमारे पास वो नहीं है। आशीर्वाद हम लेंगे, जनता मालिक का हमेशा सेवा किए हैं और सेवा करते रहेंगे, ये जब होंगे तो डबल सेवा होगा। ऐसे तो रात के 12 बजे जाते हैं, 1 बजे जाते हैं, ये जब होगा तो हम अपने दरवाजे पर कोई लोग को बुलाएंगे नहीं, हम खुद जाएंगे वहाँ। सबसे जटिल समस्या क्या है आपके वार्ड में? जटिल समस्या है कि आज तक हमारे वार्ड में जलनल जो है टंकी लग गया, टंकी उड़िया गया, उसका ढक्कन उड़िया गया, अभी तक पानी चालू नहीं हुआ। रोड बना, रोड 3 महीना में टूट गया, यही समस्या है। और गरीब का आवास, इंदिरा आवास जो होता है वो पास हुआ तो कितना भ्रष्टाचार है, किसी से छुपा हुआ नहीं है और सब लोग जान रहे हैं कि काहे पास हो रहा है और पैसा मतलब लेने के और करने के बाद भी पास नहीं हो रहा है, जो कि स्वीकृति पत्र दिया हुआ हो गया 3 साल 4 साल, आज तक पेमेंट नहीं आया है। जाके देखिए हमारे गांव जो है टोला, उसके बगल वाला टोला में एक टोला है जो दलित का बस्ती है और उस टोला में आज तक आज़ादी के बाद से अभी तक रोड नहीं है जाने के लिए। प्रतिनिधि तो जीत रहा है, कहता है कि एमरी रोड बना दे, वो हमारा तू जिता दे, जीत के जाता है फिर भूल जाता है और रोड आज तक नहीं बना है, यही तो समस्या है। और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया हुआ है इस वार्ड में, जो देखिएगा मिलेगा देखने को आपको 11 तारीख को। जीतने के बाद जो है आपको जनता मौका देती है, जीत जाते हैं तो पहला काम क्या रहेगा? पहला काम रहेगा कि हम तो सबसे पहले जलनल देखेंगे और रोड देखेंगे और नाला जो भी है वो देखेंगे और आवास का जो ये 4 साल से या 3 साल से जो पेंडिंग है वो सब निकलेगा, सब काम होगा और भ्रष्टाचार मुक्त होगा। चलिए हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए जो है संतोष पासवान जी थे जो वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ही खबर देखने के लिए चैनल पर बने रहे ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक मिल जाती है, धन्यवाद।